गुजरात चुनावों के शुरुआती एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, ज्यादातर चैनलों ने दिखाई कांग्रेस की हार। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को करारी हार का अनुमान, मोदी लहर पर सवार खिल सकता है कमल। हंगामे भरा रहा यूपी के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बैनर लेकर किया विरोध, नहीं हो सका प्रश्नकाल। विधानसभा परिसर के बाहर एक साथ नजर आए सीएम योगी और एसपी नेता आजम खान, साथ खिंचवाई तस्वीरें, हाथ पकड़कर पहुंचे सदन के भीतर। अलीगढ़ में उर्दू में शपथ लेने वाले बीएसपी पार्षद पर एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगा आरोप, मामले को लेकर मचा था बवाल। आगरा में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी सांसद रामशंकर कोठारिया, स्कूल में अव्यवस्था को लेकर जताया विरोध। शामली में छात्रा की हत्या के मामले में मृतका के परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का था मामला। जल्द दौड़ेगी नोएडा के नए कॉरिडोर में मेट्रो, नई बोगियां पहुंची ग्रेटर नोएडा, शहर के 15 और ग्रेटर नोएडा के 6 स्टेशन नए कॉरिडोर में शामिल। देश में बनी पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी नौसेना में शामिल, पीएम ने कहा हिंद महासागर में बढ़ेगा देश का दम। एक्टर और डायरेक्टर नीरज वोरा के निधन से बॉलीवुड में शोक, एक साल से कोमा में थे, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि।